जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ इस वीडियो में देखेंगे बीकानेर की यात्रा के दौरान की गलतियाँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और उन लोगों को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। टीवीएस स्कूटी की चाबी है, इसमें कभी नहीं रहनी चाहिए। मात्र 20-25 मिनट का म्यूजिक है, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट सेरेमनी की तरफ जाएंगे और जो हमारे आज के विनर्स होंगे उन्हें प्राइज दिए जाएंगे। इसलिए आने वाले 15-20 मिनट का भरपूर आनंद लीजिए, अपने मोबाइल फोन से बहुत सारी स्टोरीज लीजिए, उन्हें अपने दोस्तों को टैग कीजिए, उनको बताओ कि उन्होंने कितना शानदार इवेंट मिस किया है। इतना बड़ा ग्राउंड है, खूब सारी लाइट है, शानदार म्यूजिक है, ये सब कुछ बीकानेर वालों के लिए है। दैनिक भास्कर का गरबा महोत्सव, एक बार अपनी जोश भरी आवाज से बता दीजिए कि आप आनंद ले रहे हैं। 3, 2, 1, GO! साथ ही साथ बहुत सारी जो शानदार तस्वीरें ली जा रही है राज स्टूडियो की तरफ से, वो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस रील्स आपको देखने को मिलेगी। उसका नाम है राज फिल्म्स, एग्जैक्टली। साथ ही हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से इवेंट हो पा रहा है। शिवम डेवलपर प्रेजेंट्स दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव 2024, एक से बढ़कर एक इवेंट है, एक से बढ़कर एक प्राइजेस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। विजय वर्ग के डीजे वाले बाबू, प्ले द म्यूजिक लाउड। बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में जो नवरात्रा के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य हुआ, उस नृत्य को देखने के लिए हम यहाँ पर रेलवे ग्राउंड में पहुँचे हुए हैं। आप भी हमारे साथ उन पलों को एंजॉय कर रहे हो, इन खूबसूरत पलों को ऐसे ही देखते रहें, एंजॉय करते रहें, आपको और भी दिलकश नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। ऐसे उत्सवों और माहौल के अंदर जाने से जो मन प्रफुल्लित हो जाता है और हमें नई ऊर्जा और स्फूर्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे एंजॉय करते रहना चाहिए ज़िंदगी के सफ़र, और उसके सफ़र को ऐसे एंजॉयमेंट में व्यतीत करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और खूबसूरत नज़ारों का ऐसे लुत्फ़ उठाते रहना चाहिए। सभी यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इन पलों का, गरबा नृत्य कर रहे हैं, और ये नवरात्रा के उपलक्ष्य में ये शानदार आयोजन है। ये दैनिक भास्कर की तरफ से बीकानेर में आयोजित किया गया और विभिन्न प्रायोजक इसमें शामिल हुए। त्योहारों के सीजन में हम बीकानेर में निवास कर रहे हैं और आप हमारे साथ वीडियो भी देख रहे हो, बीकानेर की पौन दरा के देखे, तो आप भी जीवन तक बन रहिए और इन्जॉय करते रहिए। डांडिया नृत्य देखने के बाद में हम यहाँ शनि मंदिर में आए हुए हैं, शनिवार की आरती चल रही है। बीकानेर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर व्यंजन और जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं वो अलग ही दिलकश नज़ारे लिए हुए हैं, इसलिए बीकानेर को छोटिका से भी कहा जाता है। तो यहाँ इसी कड़ी में यहाँ पंचवटी सर्किल बना हुआ है, जहाँ पर आधुनिक प्रकार के जो शोरूम बने हुए हैं और खूबसूरत नज़ारा लिए हुए बीकानेर का ये घूमचक्कर दृश्य बना है। इसके ऊपर यहाँ एक लड़की अपना कर्तव्य दिखाती हुई जो छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ झारखंड से यहाँ आए हुए हैं, उनको यहाँ कर्तव्य दिखला रहे हैं। मैंने जा करके उनसे बात भी की थी और वो अपने यहाँ इस कर्तव्य दिखला करके अपना गुजारा बसा कर रहे हैं। खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है, चारों तरफ
ये जो शोरूम बने हुए हैं उन्हीं के बीच में ये मन मोह लेने वाला दृश्य हम देख पा रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक ऐसे ही बने रहें, इंजॉय करते रहें, आपको भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ व्रत का दिन होने के कारण साबूदाने की खिचड़ी बना करके और हमने यहाँ खाई है। एडिडास शोरूम जूते रात्रि को हम बाइक लेकर के निकल गए बीकानेर के इन गलियारों के अंदर जो परिकोटे के अंदर बना हुआ है, सात गेटों के अंदर जो बीकानेर पुराना बसा हुआ है, वहाँ गलियों पे हमने खूबसूरत नज़ारे देखे और इन्जॉय किया। आप भी हमारे साथ वीडियो में उन लोगों को देख रहे हो और मस्तों में हमने खूबसूरत ये जो गलियाँ हैं उनके जो नज़ारे लिए। चलाओ आगे चलाओ चलो रामपुरी हवेली है, ये पुरानी ऐतिहासिक। बीकानेर में से हम सफ़र करते हुए और घूमते हुए रामपुरी हवेली के पास में आ चुके। बीकानेर के इस खूबसूरत हवेली को देखने के लिए यहाँ पर हम बीकानेर के अंदर रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान हमें रामपुरी हवेली दिखी और यहाँ पर वीडियोग्राफी और हमने फोटोशूट किया। खूबसूरत नज़ारा, रात्रि का दृश्य। बीकानेर के ये रात्रि का दृश्य और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप ऐसे ही बने रहे और इंजॉय करते रहें। अगले दिन जो हमारे हिंदू त्योहारों के अंदर नवरात्रा की जो दुर्गाष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उनको भोजन और प्रसाद दिया जाता है, वो कार्यक्रम घर पर आयोजित हुआ। नौ कन्याओं को भोजन करवाया गया व्रत खोलने के लिए और उनको पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मार्केट में गए, वहाँ शॉपिंग की और पंचवटी सर्किल के ऊपर वहाँ जो शोरूम बने हुए हैं वहाँ विभिन्न दुकानों से सामग्री। पानी यार दे दे, बोतल काम का है। पद संचालन हो रहा है आरएसएस वालों का।
पथ संचालन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचालन अलग अलग कोनों से आकर के इकट्ठे एक ही जगह एक ही टाइम पर मिलेंगे। कट जाएगी दे दिया और बिल के अंदर ले पंचती सर्किल पर बिकलाल के पास में बैठ करके हमने आज नाश्ता किया। उस समय यहाँ पर ये बस संचालन हो रहा है आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। चारों तरफ दीपावली की रौनक यहाँ पर शुरू हो चुकी है, प्रदर्शन शानदार। उसके बाद शाम के वक्त हम वापस पंचती सर्किल पर टाइटन के शोरूम पे जा रहे हैं, वहाँ पर टाइटन की घड़ी परचेज करेंगे। टाइटन की घड़ी परचेज की है वो 60% के ऑफर पर चल रही है, तो ये घड़ी हमारे शॉटगन बाइक पर बहुत ही यूज़फुल रहेगी। जब भी कोई कॉल आती है तो ये इस वॉच से पता लग जाएगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी मोबाइल के साथ में। स्पेड कौन सा आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था वो इधर है रोशनी मोती घर की तरफ है। चलते हैं इसलिए चलते हैं। कौन सा ऐसे ऐसे बैग में लग जाएंगे। बीकानेर खाने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हम विभिन्न रेस्टोरेंट और जो खाने के होटल बने हुए वहाँ पर चलते हैं। स्पैंग यहाँ शानदार ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पर आ गए हम भोजन करने के लिए। घड़ी पर चेंज करने के बाद में पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ उन पलों को देखते रहें एंजॉय करते रहें। ये खूबसूरत लोकेशन के अंदर। स्प्रिंग 2.0 के नाम से ये शानदार रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी है, गेम खेल करके और कुंदर भी खेला जाता है यहाँ। अलग अलग गेम्स के बने हुए हैं। रेस्टोरेंट है शानदार, डाइनिंग टेबल खूबसूरत, खुला लोकेशन आसमान के नीचे, दिलकश वेकेशन और
शानदार सीनरी, फोटो कैप्चर भी कर सकते हैं आप अच्छे अच्छे व्यू के तहत, अलग अलग व्यू में फोटो कैप्चर की जा सकती है, देख सकते हो आप इसमें। तो आज टाइटन की स्मार्ट वॉच लेके आए हैं, इसमें अलग अलग वॉलपेपर और शानदार नज़ारे देखने मिल सकते हैं। इसमें साथ में लोकेशन भी और कॉल भी देखने के लिए इसको लेके आए हैं। जब बाइक पर होते हैं तो कॉल अटेंड करने के लिए जो मोबाइल है उसके अंदर पता लग जाएगा किसकी कॉल आई है। तो बाइक के लिए शानदार जो स्मार्ट वॉच है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर हम आ गए हुए हैं उसकी स्मार्ट वॉच की पार्टी छोटी सी करने के लिए। स्मार्ट वॉच का ये ऑफर प्राइस चल रहा है अभी टाइटन का, टाइटन के लेके आए हैं। यहाँ का जो खाना है बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट है, लुक है वो चारों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छा माहौल खुले वातावरण के अंदर खाने पीने का पूरा ये स्पैंग रेस्टोरेंट बना हुआ है KMR के सुजन से। लोकेशन बहुत अच्छी है, आपको कोई मौका मिले तो यहाँ अवश्य पधारें और इनका लुक उठाएं। यहाँ पर विभिन्न तरह के गेम्स खेलने की भी सुविधा उपलब्ध है, गेम खेल सकते हो आप अलग अलग तरह के। ओपन रसोई खुली, खाने बनाने का सिस्टम दिख रहा है। तीन पानी की बोतल है, 460 का पास्ता है, 220 का बर्गर है, उसके ऊपर टैक्स अलग से है। 220 का बर्गर है। उल्टी के पटाखे है, शादी में पटाखे लाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को लगा वही शादी वाली की जनी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग में आपने हमारी कई दिन की इसकी यात्रा देखी, जो नवरात्रा के दौरान का जो दृश्य है वो आपने हमारे साथ इस वीडियो में देखा। विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन और जो दिनचर्या है वो आपने इस पूरे ब्लॉग्स में एंजॉय किया होगा, निश्चित ही आपको ये शानदार लगे होंगे। अब ऐसे ही वीडियो एंजॉय करते रहें, देखते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और इन्जॉय करते रहें, आपको और भी दिलकश नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। हमने इस दौरान नवरात्रा की जो दुर्गा पूजा है उसका आनंद लिया, रामपुरिया हवेली जो बीकानेर के अंदर स्थापित है उसको देखा, इन्जॉय किया। आप इस वीडियो के और फोटो के माध्यम से उनको देख रहे हो। उसके बाद में हमने एक घड़ी है वो परचेज की टाइटन ट्रेड के शोरूम से, जो बहुत ही शानदार और आकर्षक लुक लिए हुए है।
बीकानेर के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हम ऐसे ही रात्रि को निकले हुए थे और वहाँ हमने रामपुरिया हवेली है उसके दिलकश नज़ारे देखे। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, रात्रि को पूरी रामपुरिया हवेली शानदार लग रही थी। हमने वहाँ फ़ोटोशूट किया और एक दो रील्स भी बनाई जो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हो, मेरे सुमित 777 पर। तो आप ऐसे इंजॉय करते रहें, देखते रहें। बाज़ार से शॉपिंग भी की और जो नवरात्रा के दौरान भोजन है वो भी किया व्रत वाला। और वहाँ पर पंचवती सर्किल के ऊपर जो पथ संचालन हो रहा था RSS का वो भी देखने को मिला। तो अलग अलग जो परिदृश्य और अलग अलग लुक्स आपको देखने को मिले। टाइटन घड़ी की शोरूम में गए, वहाँ से हमने घड़ी परचेज की। तो इन सभी को एक सूत्रधार में प्रो करके और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार व्यक्त जरूर करें। अगर कोई कमी हो तो उसके बारे में मैं बतलाई आने वाली वीडियो में हूँ उसको सुधार करके और आपके सामने और भी आकर्षक और दिलकश नज़ारे देखने को प्रस्तुत कर सकें। ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है और हमें निरंतर इस नए पड़ाव में प्राप्त करते रहने हुए, नए नए दायित्वों को निभाते हुए और हम इस मस्ती भरे माहौल को जी सकते हैं। किसी ने खूब ही कहा है भी, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना यूँ उस मतलब ज़बरदस्ती जिंदा। तो मैं इस मस्ती भरे माहौल को ऐसे इंजॉयफुल माहौल में व्यतीत करते हुए और अपने सफ़र को निरंतर आगे बढ़ते हुए इंजॉय करते रहना है। तो आप ऐसे ही हमारे को सहयोग प्रदान करते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे ही और आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। हमारी जो शॉर्टकट बाइक है उसके ऊपर भी आपको जर्नी जल्दी मिलेगी, उसकी जो ट्रिप है वो हम आपको दिखलाएंगे। तो आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और सहयोग देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सभी को हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।